किसी खुदांद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन और सामीन की सलामती चाहता हूँ और खुदांद खुदा का शक्र गुज़ार हूँ कि आज इस वक्त में खुदा ने मौका दिया कि आपके साथ खुदा के कलाम की चंद बातें जो है वो शेयर कर सकूँ और मैं दुआ गो हूँ किंग टेलीविजन के लिए खुदा के बंदा मिस्टर एंड मिसिस जॉन ए के लिए खुदांद अपने बंदों को खुदांद अपने लोगों को कसरत की बरकत अता करे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं खुदा का खादिम पास्टर नदीम परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरा ताल्लुक लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के साथ है और मैं वहाँ पर पास्टर इंचार्ज खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और आज इस वक्त में हम खुदा के कलाम में से चंद बातें जो है वो देखेंगे मेरे साथ बाइबल मुकदस में से देखिएगा यरमिया नबी की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी यारवी आई बाइबल मुक़दस के अंदर यूँ मरकूम है क्या किसी कौम ने अपने मबूदों को हालांकि वो खुदा नहीं बदल डाला पर मेरी कॉम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज़ से बदला और फिर जब हम आगे तेरवी आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौस खोते हैं शिकस्ता हौस जिनमें पानी नहीं ठहर सकता उदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाईस से बरकत हो मेरे अजीसों जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं यरमिया नबी का ताल्लुक जो है वह हमें अम्बिया अकबर में जो है वो नज़र आता है खुदा ने अपने बंदा को अपनी ख़िदमत के लिए इस्तेमाल किया और यर्मिया की जो ख़िदमत है ये हमें बाबल की सत्तर साल की असीरी से कुछ अरसा पहले और फिर जब बाबल की सत्तर साल की असीरी जो है वो शुरू होती है तो उस वक्त भी जो है वो हमें यर्मिया नबी की खिदमत जो है वो मिलती है और यर्मिया की जो ख़िदमत है इसको जब हम देखते हैं तो यर्मिया की किताब के अंदर हमें यह नज़र आता है कि खुदा के लोग जो थे यहूदा के जो लोग थे उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया खुदा को छोड़ दिया और इससे बेशतर के खुदा यहूदा के लोगों की बुराइयों का उनके गुनाहों का जब वो ज़िक्र करे अगर हम बाइबल मुक़दस में ग्यारहवीं आयत के अंदर देखें तो यहाँ पर खुदा एक सवाल करता है और उसका सवाल क्या है सवाल ये है कि क्या किसी कौम ने अपने मबूदों को हालांकि वो खुदा नहीं बदल डाला किसी कौम ने इस दुनिया में बेशुमार कौमें हैं बहुत सारे मजाहब हैं और खुदा एक सवाल करता है कि कभी किसी कौम ने अपने मबूदों को हालांकि वो खुदा नहीं क्या बदल डाला और फिर आगे खुदा जो है वो एक शिकवा भी करता है एक शिकायत करता है और वो कहता है पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला मुराद ये है कि खुदा के लोगों ने उस कौम ने उन लोगों ने जिनको खुदा मिस्र की ग़ुलामी में से निकाल कर लाया जिनके लिए खुदा ने जो है वो कुलजम को दो हिस्सों में चीर दिया जिनके लिए खुदा दिन के वक्त में बादल की सूरत में और रात को आग के सतून की सूरत में जिनके साथ होकर चलता रहा आज खुदा उसी कौम के लिए और उन्हीं लोगों के लिए खुदा कहता है कि मेरे लोगों ने मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज़ों से बदल डाला है मेरे लोग जो हैं वो मेरी कुदरत को भूल गए हैं मेरे लोग जो हैं वो मेरी हशमत को भूल गए हैं मेरे लोग जो हैं वो मेरे मोजात को भूल गए हैं मैंने इनको चटान से पानी मुहैया किया मैं इनके लिए जो है वो आसमान से मन भी बरसाता रहा मैंने इनके लिए यरू की दीवार को भी जो है वो गिरा दिया और खुदा बहुत सारे काम जो है जो अपने लोगों के लिए वो करता था यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा है कि उन्होंने उन सारी चीज़ों को तर्क कर दिया है और फिर तेरहवीं आयत के अंदर हमें नज़र आता है कि खुदा यहाँ पर कहता है कि मेरे लोगों ने मेरी कौम ने दो बुराइयाँ जो है वो की हैं और पहली बुराई क्या की है उन्होंने उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मा को तर्क कर दिया जिंदगी के पानी के चश्मा को तर्क कर दिया है जहाँ से जिंदगी निकलती है जहाँ से बरकत निकलती है उसको जो है वो उन्होंने छोड़ दिया और फिर दूसरी बात जो है लिखा है कि अपने लिए हौस खोदे हैं शिकस्ता हौस जिन में पानी नहीं ठहर सकता अपने लिए उन्होंने ऐसे हौस बनाए हैं जिनके अंदर बरकत नहीं रुक सकती है जिनके अंदर खुदा कहता है कि पानी ठहर नहीं सकता है लिहाजा उन्होंने मुराद ये है कि अपने लिए दूसरे देवी देवताओं को जो है वो चुन लिया है अपने लिए दूसरे मबूदों को जो है वो चुन लिया है अपने लिए दूसरे बुतों को जो है वो चुन लिया है जिनकी वो इबादत करते हैं जिनके आगे वो झुकते हैं जिनकी वो प्रसिश करते हैं जिनको वो अपना खुदा और अपना मबूद जो है वो मानते हैं और इन बातों से हम बाइबल मुकदस के अंदर देखते हैं कि खुदा रंजीदा होता है खुदा असुर्दा होता है और खुदा जो है वो बारहवीं आयत के जब अंदर हम देखते हैं यर्मिया की किताब दूसरा बाप बारहवीं आयत लिखा है खुदावंत फरमाता है ए आसमानो इससे हैरान हो और फिर आगे लिखा है शिद्दत से थरथराओ और बिल्कुल वीरान हो जाओ खुदा यहां पर खुद भी हैरान होता है कि जिनके लिए मैं मोजात करता रहा जिनके लिए मैंने अपनी कुदरत के कामों को जाहिर किया जिनके लिए मैंने जो है वो अपने जलाली कामों को जाहिर किया उन्होंने ही मुझे तरक कर दिया और फिर खुदा जो है वो आसमानों को भी हैरान होने के लिए जो है वो कहता है एक हैरानगी का काम जो है वो हो रहा है इस 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 कदर का, इस कदर कदर काम जो जो है है वो बरकतों से भरे हुए काम जो है, वो खुदा ने उनके लिए किए लेकिन अफसोस के उन्होंने खुदा को जो है वो छोड़ दिया खुदा को तर्क कर दिया खुदा से उन्होंने जब वह किनारा कशी जो है वो कर ली है और चूंकि उन्होंने खुदा को छोड़ा और फिर उसका नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला बाइबल मुकदस खुदा का मोतबर और जिंदा कलाम हमें यह बताता है कि जब उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि उनको बाबल की सत्तर साल की असीरी में जो है वह जाना पड़ा वो बाबल में गुलामी की हालत में जो है वो चले गए हैं और फिर हम बाइबल मुकदस के अंदर वो देखते हैं कि किस कदर अजियत किस कदर परेशानी और किस कदर दुख की हालत में जो है वो बाबल के अंदर वहाँ पर ग़ुलामी की हालत में जो है वो रहते हैं और खुदा से जो है वो दूरी की भी हालत हमें जो है वो नजर आती है ना सिर्फ उनको अपने घरों से जुदा होना पड़ा उनको जो है वो अपने शहर से भी जुदा होना पड़ा और फिर बड़ा काम ये हुआ कि यहूदा के अंदर यरूशलेम में जो हैकल थी जो खुदा का घर था उस घर से भी उनको जो है वो जुदा होना पड़ा और वहाँ से वो जुदा होकर ग़ुलामी के अंदर असीरी के अंदर सत्तर साल के लिए जो है वो चले गए और सबब क्या बना सबब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था और वो गुना था जो खुदा को नापसंद है और बाइबल मुक़दस हमें यह बताती है हबकूक की किताब के अंदर ये लिखा है कि खुदा की आँखें ऐसी पाक हैं कि वह बदी को देख नहीं सकता खुदा गुनाह को नहीं देख सकता खुदा बदी को नहीं देख सकता खुदा गुनहगार की जिंदगी में निगाह तो करता है वो देखना वो आना तो चाहता है कि हमारी जिंदगियों में सकूनत करे वो लोगों के पास तो आना चाहता है लेकिन जब उसको हमारी जिंदगी में गुनाह नजर आता है तो वहां से खुदा रंजीदा हो जाता है वहां से खुदा अफसरदा हो जाता है खुदा हर एक को बरकत देना चाहता है जैसे खुदा ने यहूदा के लोगों को बरकत दी मिस्र की गुलामी में से निकाला वादा की हुई सरजमीन में लेकर आया खाने को पीने को पहनने को रहने को सब कुछ खुदावन ने मुहैया किया लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उसी खुदा को जो उनको सब कुछ मुहैया करता था उन्होंने उसी खुदा को जो है वो छोड़ दिया और फिर गुनाह की वजह से बिल आखिर उनको कैद की हालत में असीरी की हालत में गुलामी की हालत में जो है वो सत्तर साल तक उनको रहना पड़ा मेरे ऐसी खुदा का कलाम हमारे आगे साफ ये बात बयान करता है कि खुदा को गुनाह से नफरत है खुदा गुनाह को नहीं देख सकता लेकिन जब हम इंसान की शरीस्त को देखते हैं जब हम इंसान की नेचर को देखते हैं फितरत को देखते हैं तो इंसान की फितरत के अंदर गुनाह जो है वो धस चुका हुआ है इंसान गुनाह नहीं भी करना चाहता लेकिन फिर भी उससे जो है वो हो जाता है लिहाजा अब खुदा भी क्या करता किस कितनी देर तक कितना वक्त वो इंसान से जुदा होकर जो है वो गुजारता रहता इंसान तो गुनाह करता और खुदा दूर हो जाता हालांकि खुदा कभी भी इंसान से जुदा होना नहीं चाहता था इसीलिए आगाज में जब उसने आदम और हवा को जब वो खल किया तो फिर उनको बागे अदन में रखा और कलाम ये फरमाता है कि वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए आता था उनके साथ गुफ्तगु करने के लिए आता था उनके साथ वक्त गुजारने के लिए आता था लेकिन अफसोस की बात वहां पर भी गुनाह आ गया और गुनाह की वजह से जो है इंसान अदन से जो है वो बाहर निकल आया गोया रोजे अव्वल से ही जब हम देखते हैं तो इंसान जो है वो गुनाह की तरफ जो है वो माइल रहा इंसान की सोच के अंदर जो है वो गुनाह बस चुका हुआ था इंसान के अंदर जो है वो गुनाह ठहर चुका हुआ था और अब जरूरत इस बात की थी कि खुदा इंसान के साथ रफाकत करना चाहता था खुदा इंसान के साथ जो है वो एक होना चाहता था खुदा इंसान के जो है वो साथूनत करना चाहता था लिहाजा बहुत कुछ होता रहा नबी भी आते रहे कलाम भी होता रहा खुदा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा लेकिन इंसान अपने गुनाह से आज़ाद ना हो सका इंसान अपनी उस बुरी आदत को गुनाह आदत को और उस गुनाह आलूद फितरत को जो है वो ना छोड़ सका और फिर कुर्बानियां भी गुजरानी जाती हैं कभी सोखनी कुर्बानी खुदा की हजूरी में गुजरान कर कफारा दिया जाता कभी खता की कुर्बानी गुजरान कर खुदा की हजूरी में जो है वो माफ़ी मांगी जाती कभी जो है वो कोई कुर्बानी खुदा की हजूरी में गुजरानी जाती कभी किसी जानवर को खुदा की हजूरी में जो है वो कुर्बान किया जाता लेकिन गुनाह जो था वो अपनी जगह पर कायम रहा और फिर खुदा ने अपने ही मुंह से निकली हुई बात को उसने पूरा किया और उसने अपने इकलौते बेटे मसीह को जो है इस दुनिया में मेरे लिए आपके लिए पूरी दुनिया के लिए पूरी, पूरी नस्ल इंसानी के लिए जो है उसने इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए गोया यसु मसीह हमेशा की जिंदगी बनकर सु मसी जो खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर मुजस्सम हुआ और उसके इस दुनिया में आने के वसीला से उसके मुजस्सम होने के वसीला से जो है वो मैंने और आपने हम सब ने जो है वो नजात को हासिल कर लिया और इस बात को जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर हमें पैदाइश की किताब के अंदर नजर आता है उसके तीसरे बाप के अंदर खुदा ने वहां पर ही कहा था इबलीस से शाम से उसने जब वो कहा था कि अगर हम बाइबल मुकदस के अंदर देखें पैदाइश की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी पंद्रहवीं आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है लिखा है और मैं तेरे और औरत के दरमियान मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू तो उसकी एड़ी पर काटेगा और खुदा ने अपने मुंह से इस निकली हुई बात को पूरा किया कि उसने औरत की नस्ल से जो जो है वो एक ऐसी शख्सियत भेजा जो के उसका बेटा था और वो मुजस्सम हुआ और बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसा कि यहाँ पर लिखा है वो तेरे सर को कुछ लेगा मसीह ने इस दुनिया में आकर यस्ु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लेकर कमारी मरियम से जो है वो जन्म लेकर इब्ने मरियम कहला के इबलीस के सर को जो है वो कुचला नबी भी आते रहे कलाम करते रहे कुर्बानियाँ भी होती रहीं सब कुछ होता रहा लेकिन गुनाह का खात्मा जो है वो ना हुआ यहाँ पर यर्मिया की किताब के अंदर हम देखते हैं गुनाह का नतीजा असीरी नज़र आता है गुनाह का नतीजा हमें जो वो कैद नज़र आती है गुलामी नज़र आती है और फिर खुदा जान गया कि इंसान जो है वो गुनाह को नहीं छोड़ सकता लिहाजा मैं और आप हम मुबारक लोग हैं और मुबारक लोग कैसे हैं मुबारक मुबारक लोग इस तरह से हैं कि खुदा ने जब हम पर निगाह की कि हम गुनाह से आज़ाद नहीं हो सकते तो हमारे लिए गुलामी की बात नहीं थी हमारे लिए जो है वो कोई और असीरी नहीं है बल्कि आज हमारे लिए जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है और वो यीशु मसीह के वसीला से है और ख़ुदा का बंदा इब्रानियों के ख़त के अंदर इसी बात को कुछ वो यूं बयान करता है जब हम इब्रानियों के ख़त के अंदर देखते हैं पहले बाप की पहली आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा हिस्सा और तरह तरह नबियों की मार्फत कलाम किया खुदा नबियों को भेजता रहा खुदा ने साया को भेजा खुदा ने यर्मिया को भेजा खुदा ने हिस्केल को भेजा खुदा ने दानियल को भेजा होशिया आया और ना जाने कितने नबी जो है वो आते रहे खुदा नबियों को भेजता रहा और लिखा है कि खुदा ने बाप दादा से हमारे आबाओ अजदाद से उसने हिस्सा बिस्सा और तरह बतरा जो है वो कलाम किया लेकिन दूसरी आयत के अंदर लिखा है इब्रानियों पहला बाब दूसरी आयत लिखा है इस ज़माना के आखिर में हम से मुझसे और आपसे उसने क्या किया बेटे की मार्फत कलाम किया अपने बेटे यसु को इस दुनिया में भेज दिया लिहाजा आज जब हम क्रिसमस के इस सीज़न में से गुजर रहे हैं हमारे लिए ये खुशी की बात है हमारे लिए दलेरी की बात है आज अगर हम गुनाह की जिंदगी में हैं याद रखिए है, गुड न्यूज यह है अपने गुनाहों से माफी मांगे यस्सु आपकी जिंदगी में जो है वो आ जाएगा और जब हम इस बात को मनाते हैं कि यस्सु मसीह जो है वो चरनी में मुजस्सम हुआ मेरे अजीजा जरूरत यह है कि हम यस्सु को अपने दिलों में आज जगह देने वाले हो वो हमारे दिलों में पैदा हो ताकि हम गुनाह से बाज आए और खुदा की उम्मत जो है वो बनने वाले हो खुदावन आप सबको बहुत बरकत अता करे आए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और दुआ करें आसमानी बाप हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं हम तुझे दिल की अथा गहराइयों से मुबारक कहते हैं और हम इस बात के लिए तेरा शुक्रगुजार हैं कि तूने अगले जमाना में हिस्सा ब हिस्सा और तरा बतरा नबियों के वसीला से कलाम किया लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे साथ अपने बेटे मसीह के वसीला से जो जलाल की उम्मीद बनकर इस दुनिया में आया तूने अपने बेटे के वसीला से हमारे साथ कलाम किया यस्सु तेरा शुक्र शिक्रो तु मुजस्म हुआ और हमने जिंदगी को हासिल कर लिया तू मुजस्म हुआ और हम कैद से बच गए और अब दी बादशाहत को हमने हासिल कर लिया मैं तेरा खादि मुते हुए मन्नत करता हूं कि आइंदा जब हम तेरे बेटे अब आप तेरे बेटे यसुलमसी के जन्मदिन की खुशियों को मनाएं तो यस्सुनासरी हम तुझे अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हों मैं किंग टेलीविजन के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए तेरी बरकत को तेरी सलामती का मांगता तमाम मसीही कौम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ यस्ु के नाम में